खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। बुधवार को बाड़मेर से मध्य प्रदेश जाते हुए 15 मजदूर लूणी पहुंचे। यहां स्थानीय ग्रामीणों ने मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था की। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनके पास खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और ना ही वे खाने की व्यवस्था कर पा रहे हैं। उन्होंने बस ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद वे पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े हैं। अपने कंपनी से आया हमारा ठेकेदार जो है तो साला भग गया। ड्यूटी हम लोग 2 दिन किया और वो भग गया। इसके बाद फिर हम लोग मजबूरी से घर से पैसा मंगाया और खाया, और खाने के बाद फिर पैसा हम लोग का ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से हम लोग मजबूरी में अपना बैग झोरा उठाया और चल दिया। फिर यहाँ आया, क्या नाम है तो गाँव आया टुंडा, वहाँ आया तो पुलिस वाले मिले तो बोलते हैं कि मिलेगा व्यवस्था आपको, तो वहाँ व्यवस्था हम लोग को कुछ नहीं दिए, खाना भर खिलाया नाइट में। इसके बाद बोलते हैं पैदल चले जाओ, तुम लोग को जाना है। फिर हम लोग पैदल आ रहे हैं, इधर पहुँचाएँ यहाँ इस मंजिल पर। यहाँ सब जो होगा तो अब ऊपर वाला भगवान जानेगा।